नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube पर हार्दिक स्वागत है। आज हम RSCIT का थर्ड पार्ट शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ग्राफिक प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स वे प्रोग्राम होते हैं जिनमें दृश्य रूप से रोचक प्रदर्शन के लिए सभी आवश्यक विजुअल तत्व इसमें समाहित होते हैं। कुछ ग्राफिक हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कोरल प्रेजेंटेशन और लोटस फ्रीलांस, ये प्रमुख ग्राफिक्स हैं। फिर है ग्राफिक प्रदर्शन की विशेषताएं। इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन एक प्रकार की स्लाइड या पेज के क्रम होते हैं। इसमें अधिकांश में डिजाइन और विषय टेम्पलेट शामिल होते हैं। डिजाइन टेम्पलेट हमें व्यावसायिक रूप से चुनी गई कलर स्कीम, स्लाइड लेआउट और विशेष प्रभाव प्रदान करते हैं। विषय टेम्पलेट हमें हर स्लाइड के लिए विषय का सुझाव देता है। इसकी अन्य विशेषताएं हैं अतिरिक्त कलर स्कीम का चुनाव, स्लाइड लेआउट, एनिमेटेड ग्राफिक और चार्ट बनाना तथा बनाए हुए प्रेजेंटेशन की रिहर्सल करने में ये मदद करता है। ट्रांजिशंस का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर होने वाले परिवर्तन के तरीकों को ये प्रभावित करते हैं। स्लाइड को प्रिंट करने, स्पीकर नोट बनाने और श्रोताओं को हैंडआउट उपलब्ध करवाने में ये हमारी मदद करता है। फिर है इंटीग्रेटेड पैकेज, यह एक सिंगल प्रोग्राम होता है जिसमें वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजर तथा अनेक प्रोग्राम्स इसमें उपलब्ध होते हैं। इसका मुख्य नुकसान यह है कि प्रत्येक फंक्शन या वर्ड प्रोसेसिंग की योग्यता उतनी अधिक नहीं होती जितनी किसी स्वतंत्र प्रोग्राम या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होती है। इसका मुख्य लाभ इसकी कम कीमत व इसको समझने में बहुत आसानी होती है, ये इसका मुख्य लाभ है। यह घरेलू यूजर्स के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। कभी कभी व्यक्तिगत या घरेलू सॉफ्टवेयर के रूप में ये जाना जाता है। कौन? इंटीग्रेटेड पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स तथा एप्पल वर्क्स ये प्रमुख इंटीग्रेटेड पैकेज है। फिर है डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम्स या पेज लेआउट प्रोग्राम्स, इनकी सहायता से आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मिलाकर व्यावसायिक स्वरूप वाले पब्लिकेशंस बना सकते हैं। जहां वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट आधारित होता है उसमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स को जोड़ने की क्षमता होती है, वहीं डेस्कटॉप पब्लिशिंग के प्रोग्राम पेज डिज़ाइन और लेआउट पर केंद्रित होते हैं। इसमें बेहतर लचीलापन होता है। व्यावसायिक ग्राफिक कलाकार ब्रोशर्स, न्यूज़लेटर, अखबार और पाठ्य पुस्तकें जैसे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। लोकप्रिय डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम है एडोब पेजमेकर, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर और क्वार्क एक्सप्रेस, ये प्रमुख डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम है। फिर आता है इमेज
एडिटर। ग्राफिक फाइल्स का सबसे सामान्य प्रकार होता है बिटमैप। बिटमैप इमेजेज जिनको रास्टर इमेज के रूप में जाना जाता है। इमेज को दर्शाने के लिए हजारों डॉट्स या पिक्सल का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक डॉट में विशेष लोकेशन, रंग व शेड होते हैं। इनकी साइज बढ़ाने पर किनारे इनके फट जाते हैं। इमेज एडिटर्स को फोटो एडिटर्स के रूप में भी जाना जाता है। डिजिटल फोटोग्राफ्स को संपादित या संशोधन करने की विशिष्टता ये रखते हैं। लोकप्रिय प्रोफेशनल इमेज एडिटर में माइक्रोसॉफ्ट पेंट, एडोब फोटोशॉप, कोरल पेंट शॉप प्रो शामिल होते हैं। इलस्ट्रेशन प्रोग्राम। वेक्टर ग्राफिक फाइल का दूसरा सामान्य प्रकार इलस्ट्रेशन प्रोग्राम होता है। वेक्टर इलस्ट्रेशन कहलाने वाले टेक्स्ट तस्वीरों में ज्यामिति, आकार या तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इन तत्वों को लाइनों और वक्रीय रेखाओं को जोड़कर बनाया जाता है। इनको गणितीय समीकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, अतः शीघ्रता और आसानी से उनका आकार व रंग बदला जा सकता है। इलस्ट्रेशन प्रोग्राम्स को ड्राइंग प्रोग्राम्स के रूप में भी जाना जाता है, जिनका प्रयोग वेक्टर तस्वीरों को बनाने और एडिट करने के लिए किया जाता है। एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब फ्री हैंड और कोरल ड्रॉ ये प्रमुख व्यावसायिक इलस्ट्रेशन प्रोग्राम हैं। फिर है इमेज गैलरी। इलेक्ट्रॉनिक तस्वीरों का ये संग्रह होता है। इन तस्वीरों का उपयोग पाठ्य पुस्तकों में चित्रण करने के लिए करने से लेकर प्रेजेंटेशन में तस्वीरों को शामिल करने तक अनेक रूपों में किया जाता है। गैलरी के दो प्रमुख प्रकार होते हैं। स्टॉक फोटोग्राफ्स, इसमें प्रोफेशनल मॉडल की तस्वीरों से प्राकृतिक दृश्यों जैसे विविध विषयों पर तस्वीरें। क्लिप आर्ट में विविध विषयों पर उपलब्ध ग्राफिक इलस्ट्रेशन प्रस्तुत किए जाते हैं। ज़्यादातर एप्लीकेशंस में एक निश्चित सीमा तक निःशुल्क क्लिप आर्ट उपलब्ध होती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप इंसर्ट पिक्चर्स क्लिप आर्ट के कमांड से क्लिप आर्ट एक्सेस कर सकते हैं। फिर है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स सूट्स, कुछ कंपनियां अपने अलग अलग मौजूद ग्राफिक्स प्रोग्राम को समूह में संयोजित करके प्रस्तुत करती हैं, जिन्हें ग्राफिक्स सूट्स कहते हैं। इनका लाभ ये होता है कि आप प्रोग्राम को अलग अलग खरीदने की अपेक्षा कम कीमत पर अनेक प्रकार के ग्राफिक्स प्रोग्राम खरीद सकते हैं। एडोब का क्रिएटिव सूट और कोरल ड्रा ग्राफिक्स ये दो लोकप्रिय सूट्स के प्रकार हैं। कोरल ग्राफिक्स सूट्स में ग्राफिक्स के 5 अलग अलग प्रोग्राम्स एवं क्लिप आर्ट मीडिया, क्लिप आर्ट मीडिया क्लिप्स और फॉन्ट का बड़ा संग्रह इसमें शामिल होता है। ऑडियो और वीडियो, पहले किसी प्रोग्राम की फुटेज को एकत्र कर लैब में भेजा जाता था तथा कंपाइल के लिए इंतज़ार करना पड़ता था। अब ऑडियो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से आप खुद
पाइलेशन मूवीज बना सकते हो। एपिल्स आई मूवी और विंडोज मूवी मेकर ये प्रमुख वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर माने जाते हैं। आप अपनी रिकॉर्डिंग से भद्दी आवाज़ें स्क्रैचेज को हटाने के लिए ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एप्पल का गैराबैंड और सोनी का एसिड है। फिर है मल्टी मीडिया, इसमें सभी प्रकार की मीडिया को एक प्रेजेंटेशन में शामिल किया जाता है, जैसे वीडियो, संगीत, आवाज़, ग्राफिक्स और टेक्स्ट इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रभावशाली मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में यूजर या पारस्परिक गतिविधियां शामिल होती हैं। इंटरएक्टिविटी की मदद से यूजर को सूचना को देखकर चुनने, सूचना की गति व प्रवाह को नियंत्रित करने, दी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया करने और फीडबैक की सुविधा इसमें मिलती है। इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन पर कार्य करने के दौरान यूजर प्रेजेंटेशन को अपनी आवश्यकता अनुसार ढाल सकता है। कभी केवल कंप्यूटर के लिए ही विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया का प्रोग्राम अब व्यवसाय, शिक्षा और घरों में किया जाने लगा है। शिक्षा में इसका प्रयोग प्रेजेंटेशन व प्रदर्शन, दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन परीक्षा के लिए किया जा रहा है। फिर है लिंक और बटन। इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन को विशेष तौर से संबंधित पेजों की श्रृंखला के रूप में इकट्ठा किया जाता है। प्रत्येक पेज पर सूचना प्रस्तुत होती है और लिंक्स या संबंधित सूचना से कनेक्शन प्राप्त होते हैं। ये लिंक्स वीडियो, आवाज़, ग्राफिक्स, टेक्स्ट फाइल और अन्य पेज व रिसोर्स भी हो सकते हैं। किसी पेज पर बटन नामक एक विशेष क्षेत्र पर क्लिक करके आप उपयुक्त लिंक देख सकते हैं। सूचना को खोजने और देखने के लिए किसी प्रेजेंटेशन पर नेविगेशन कर सकते हैं। एक पेज पर कई विशिष्ट बटन इसमें दिखाई देते हैं, आप उनमें से किसी एक का चुनाव कर सकते हो। फिर आता है इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन विकसित करना। इसके चरण हैं योजना और विश्लेषण करना, डिजाइन, फिर निर्माण और अंत में है सहायता करना। तो इसका पहला चरण है योजना और विश्लेषण। परियोजना का संपूर्ण उद्देश्य संसाधनों की आवश्यकता तथा परियोजना पर काम करने वाले संभावित व्यक्तियों या लोगों के टीम का निर्धारण करने में होता है। फिर आता है डिज़ाइन। परियोजना को विकसित करने के लिए स्टोरी बोर्ड का बनाना आवश्यक होता है। स्टोरी बोर्ड डिजाइन टूल का प्रयोग संपूर्ण लॉजिक फ्लो और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन की संरचना को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसमें पाथ उन विभिन्न मार्गों को दर्शाते हैं जिनका उपयोग कोई यूजर कर सकता है। प्रत्येक आयत प्रेजेंटेशन एक पेज को दर्शाता है। प्रत्येक पेज का इससे संबंधित एक विस्तृत स्टोरी बोर्ड होता है, जो विशेष सामग्री, शैली और डिजाइन के साथ साथ वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट या उस विशेष पेज के लिए किसी अन्य मीडिया के लिए लिंक्स को निर्दिष्ट करता है। फिर आता है निर्माण।
इंटरफेस मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मल्टीमीडिया ऑथरिंग प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। फिर है सहायता, जरूरत के अनुसार प्रभावशीलता, त्रुटियों की पहचान और संशोधन का मूल्यांकन किया जाता है। फिर आता है मल्टीमीडिया ऑथरिंग प्रोग्राम, इसका प्रयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाने में किया जाता है। ये वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स और टेक्स्ट घटकों को किसी एक इंटरएक्टिव फ्रेमवर्क में एक साथ मिलाते हैं। बड़े स्तर पर प्रयोग किए जाने वाले ऑथरिंग प्रोग्राम है एडोब डायरेक्टर व टूलबुक, ये इसमें शामिल होते हैं। फिर है वेब ऑथरिंग, नए ग्राहकों तक पहुंचने और अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कॉरपोरेशन वेब का प्रयोग किया जाता है। अपनी व्यक्तिगत साइट बनाने को ब्लॉग्स कहते हैं। साइट बनाने को वेब ऑथरिंग कहा जाता है। यह साइट डिजाइन से शुरू होकर डॉक्यूमेंट फाइल बनाने तक जो वेबसाइट की विषय वस्तु को प्रदर्शित करता है। फिर है वेबसाइट डिजाइन, यह संचार का इंटरएक्टिव मल्टीमीडिया रूप होता है। इसे डिजाइन करना, वेबसाइट की संपूर्ण विशेष सामग्री का निर्धारण करना होता है। कंटेंट की जानकारी से संबंधित छोटे टुकड़ों की श्रृंखला में इसको तोड़ा जाता है। संपूर्ण साइट डिजाइन को एक साथ एक ग्राफिकल मैप में दर्शाया जाता है। इसका प्रत्येक ब्लॉक पेज वेब पेज को दर्शाता है। ब्लॉग्स को जोड़ने वाली लाइनें जानकारी वाले संबंधित पेजों के लिंक दर्शाती हैं, जो वेबसाइट बताती है, जो वेबसाइट बनाती हैं। पहला होम पेज विशेष रूप से एक परिचय के रूप में होता है और विशेष सामग्री की तालिका प्रदान करता है। मल्टीमीडिया घटक एक एक पेज पर इंटरनेट और इंटरएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जोड़े जाते हैं। मल्टीमीडिया घटक जो बहुत सी वेबसाइटों पर पाया जाता है, वे मूविंग ग्राफिक्स होते हैं जिनको एनिमेशन कहा जाता है। ये एनिमेशन मूविंग टेक्स्ट या जटिल इंटरएक्टिव विशेषताओं के समान हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर तैयार किया जाने वाला इंटरएक्टिव एनिमेशन एडोब फ्लैश कहलाता है। फ्लैश मूवीज को पेज के एक भाग के रूप में इंजर्ट किया जाता है या यह संपूर्ण स्क्रीन में प्रदर्शित हो सकता है। मार्फिंग फ्लैश के माध्यम से उपलब्ध एक इफेक्ट होता है। मार्फिंग एक विशेष इफेक्ट है जिसमें एक आकार किसी दूसरे में परिवर्तित होता हुआ प्रतीत होता है। फिर वेब ऑथरिंग प्रोग्राम, वेब पेज विशेष तौर से HTML हाइपर टेक्स्ट मार्क लिंक डॉक्यूमेंट होते हैं। HTML और सरल टेक्स्ट एडिटर के ज्ञान से हम वेब पेजेज बना सकते हैं। यहाँ तक कि HTML के ज्ञान के बिना भी आप वर्ड प्रोसेसिंग का प्रयोग करके वेब पेज बना सकते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ज़्यादा विशिष्ट और शक्तिशाली प्रोग्राम जिन्हें वेब ऑथरिंग प्रोग्राम कहते हैं का प्रयोग विशेष रूप से उन्नत किस्मों की व्यावसायिक वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें वेब पेज एडिटर और HTML एडिटर के रूप में जाना जाता है। ये प्रोग्राम्स वेबसाइट डिज़ाइन
और HTML कोडिंग के लिए सहायता प्रदान करते हैं। विशेष रूप से प्रयुक्त तो वेब ऑथरिंग प्रोग्राम में एडोब ड्रीमवेयर, नेट ऑब्जेक्ट फ्यूजन और माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन शामिल होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।